ओम शांति। आज हम सुनेंगे 22 जून 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के अंदर बाबा ने गीत पर मुरली आरंभ की है। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। तो आज बाबा ने यही मुरली के अंदर कहा है कि बच्चे तुम्हें रोज अपना पोतामिल जरूर देखना है कि पोतामिल में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा भाव तो नहीं आया है, ये जरूर चेक करना है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चे एक बहुत बड़ी बहादुरी करते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकते हैं, और वह है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनना। ये बहुत बड़ी बहादुरी है, और इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों के ऊपर भगवान को भी नाज होता है। हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, यह नशा हमें रहता है जो हमें सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोतामिल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया है। आज की मुरली का प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट है, भाई बहन हो गए, लेकिन ये बहादुरी चल तभी सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आज के मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोतामिल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया है, और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है। गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं, सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है, अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना, जब बाप आए हैं तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं, यह भी वंडर है। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं, बाबा को ऐसे बच्चों पर वंडर लगता है कि संगम युग पर ये स्टीमर में आकर के बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए
कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों में अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए। बेअंत बार हमने बाबा से ये वर्षा लिया है। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी कि हम आत्मा है। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्य का हीरे जैसा जीवन बनाने, ये कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी सब्ज परी भी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। नौ रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहाचारी होती है तो नौ रत्न की अंगूठी पहनते हैं। दुनिया में मनुष्य कोई ग्रहाचारी होती है तो नौ रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। बाबा का कौन सा टोटका है? मन मना भव। क्यों? क्योंकि गॉड इज वन। हर धर्म वालों के लिए ये एक ही टोटका है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं, सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। अगर मन भाग जाता है तो बाबा कहे सोचना चाहिए कि मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए, क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत है जो दो चार रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। बाबा कहे बदली हो रहा है तभी तुम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर के रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी
टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब भाई भाई है, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती है, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पार्ट बजाया, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बातें करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहां तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। कितनी सूक्ष्म अवस्था पर बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं कि अपने शरीर से भी जो भान है वो निकाल देना है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर बाप से मिलेंगे। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। हम बाबा कहे जो पूरा वर्षा लेने वाले हैं उनकी चलन भी वैसी रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बार बार अलग अलग रूप से बाबा हम बच्चों का अटेंशन यही खिंचवा रहे हैं कि तुम बच्चों को अपने पुतामिल पर जरूर अटेंशन रखना है। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है, ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। जब बाबा ऐसे इशारा देते तो उनके दिल में आता है हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे, तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक है ये साक्षात्कार बाबा कहे यहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सा पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ किया, कहां गफलत किया। तो इसीलिए बाबा कहे यहां ही ट्रांसफर होने से पहले वो सब साक्षात्कार होंगे। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा
कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16108 की बड़ी माला बननी है। रॉयल फैमिली की माला त्रेता अंत तक चलेगी, तो इसीलिए बाबा कहे ये माला तो बहुत बड़ी है, तो अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय फिर जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, बल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो। शुरू में बाबा के पास जब बहने पार्टी लेकर जाती थी तो बाबा कहते हैं सारे ग्रुप का फोटो जरूर हो, फिर देखो इसमें से कितने रहते हैं कितने निकल जाते हैं। बल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो, पार्टी ले आते हो ना, फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो, फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती है, एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई न कोई रूप धर कर पकड़ लेती है, कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं। भल इन आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद हो। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ, ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। बाबा ये भी नहीं कहते हैं कि बच्चे तुम्हें किसी की तरफ देखना ही नहीं है, या जैसे आजकल की दुनिया में कई सन्यासी महात्माएं होते हैं कहते हैं स्त्री का मुंह देखना ही नहीं है, तो बाबा ये नहीं कहते हैं। बाबा प्रैक्टिकल रहना सिखाते हैं, ऐसा कमजोर भी नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशुक के तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो हजार बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। एक बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई है यहाँ कि दिन भर में बार बार ये शब्द निकले बाबा बाबा, तो उतनी बाबा की याद रहेगी। प्रदर्शनी में भी जब किसी को समझाते हो तो बाबा कहे हजार बार बोलो बाबा बाबा, तब सामने वाले के मन में भी सुनने वाले के मन में भी आएगा कि आखिर इनका बाबा है कौन, किसको कहते हैं। और इतनी बार कहते हैं हम भी उनसे मिले, है ना। तो बाबा कहे प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो हजार बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह भूलो मत, बाप का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो अंदर, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं, नंबर वन मुख्य बात ही यह है। क्यों बाबा कहते घोटते रहो अंदर में,
हजार बार बोलो बा 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 बोलते जाओ, ताकि ये ऐसा अभ्यास हो जाए हमें, तो अंतिम घड़ी जब आए तो उस वक्त भी मुख से जो बहुत समय से अभ्यास किया होगा वही तो निकलेगा, तो वही निकलेगा वाह 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 वाह। और ऐसे प्राण तन से निकले तो सोचो कितनी श्रेष्ठ गति को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए बाबा कहे ये शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर वन मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है, बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहां देखे हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए, जहां बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। आजकल तो हर बड़े सेंटरों पर बड़े बड़े म्यूजियम बन गए हैं, चित्र लगा हुआ हो गेटवे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, इस होनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भपका भी होगा तो मनुष्य आएंगे, वैकुंठ जाने का रास्ता, एक सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके, नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, न कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम, हम गारंटी करते हैं। तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रखना चाहिए, गोले का जो चित्र है, कलयुग से सतयुग में जाने का गेट बड़ा होना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है, स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसको मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाप कोई नहीं जानते हैं, भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी, यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से हजार बार बाबा बाबा निकले। दूसरी पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को ही याद करना है, आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज की मुरली का वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है
व दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर के कोई भी आकर्षण अपने तरफ आकर्षित न करे। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपने तरफ आकर्षित न करे। तो आज के मुरली से हम सारे दिन के लिए यही दृढ़ संकल्प लेंगे। सबसे पहली बात जो बाबा ने कहा, बार बार मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। दूसरी बात कि गृहस्थ में रहते हुए महान सौभाग्यशाली वो है कि जो स्त्री पुरुष के भान से ऊपर स्वयं को और दूसरे को भी आत्म रूप में देखे, आत्म समझे। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि रोज रात को अपना पोता मिल देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया है। तो आज यही दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा बाबा कहना है, दूसरा आत्मिक स्मृति में रहना है और सबको आत्म रूप में देखना है, और रात को अपना पोता मिल जरूर देखना है। फिर आज का जो वरदान बाबा ने कहा, एवर हैप्पी भव, अर्थात नीरस वातावरण के अंदर भी खुशी की झलक फैलानी है, अशांति के अंदर शांति को प्रवाहित करना है। तो ये विशेष कार्य आज सारा दिन हमें करना है, और कोई भी शरीर के तरफ आकर्षण हो। ठीक है, ओम शांति।